all to today's video, today's lecture. Today we will talk about DNA structure non-enzymatic transformations. First of all, I am little late because of some technical issues. There was so many technical issues were there, so I just solved all of them and I am here in front of you. Am I audible and visible? Yes, Prinsu. Yes, Priyanka. Good evening. Good evening. Thank you for waiting for me. There was some technical issue because of which I was not able to come on time. Am I visible now? Am I audible? Am I visible and audible? Am I visible and audible? Good evening, dear friends. Am I visible and audible? Can anyone please tell me, am I visible and audible? Is my voice clear? Because there were many technical issues. Am I visible and audible? Thank you, Prinsu. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Thank you for waiting. Thank you so much. Okay. तो आज हम शुरू करेंगे डीएनए स्ट्रक्चर का लेसन 9, दैट इज नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस. कल हमने डीएमिनेशन पढ़ा था. थैंक यू सो मच. कल हमने डीएमिनेशन पढ़ा था. आज हम बाकी के नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है. आप थोड़ा बहुत दिमाग में रखेंगे तो भी ये याद रह जाएगा. उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज CSIR नेट अन अकेडमी, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरे और दूसरे एडुकेटर्स के मिलते रहें. देन आपको मैंने पहले भी बताया है इस बारे में कि आप लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी की, और लर्नर्स ऐप डाउनलोड अगर कर लेंगे आप तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा. वहाँ पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक कुछ भी ले सकते हैं. उससे पहले तो आप शेल K10 अगर यूज़ करेंगे कोड, तो आप वहाँ की स्पेशल फ्री क्लासेस देख पाएंगे. कल मेरी एक स्पेशल फ्री क्लास है 5 PM को, तो आप मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस अनलॉक कर पाएंगे शेल K10 कोड यूज़ करने से. और अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन खरीदा है उसमें भी अगर आपने ये कोड यूज़ किया तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे. मेरे अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, सबसे आप पढ़ सकते हैं. प्लस आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे PDFs के फॉर्म में, और आपको PDF के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देयर विल बी लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस. मतलब आप बहुत आसानी से बहुत सारे टेस्ट और क्विज दे सकते हैं इस प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से, जहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड मेरे हिसाब से प्रैक्टिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. एंड मैम प्लीज़ टॉक इन हिंदी, ज़्यादा समझ में आता है मैम प्लीज़. ओके श्योर श्योर, डोंट वरी. एंड आइकॉनिक में क्या करेंगे, आइकॉनिक अगर आपने ले लिया तो यहाँ पे आपको इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स से पढ़ने के अलावा, इन सारे बेनिफिट्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा. यू विल गेट अ पर्सनल कोच 24/7, वो आपके साथ रहेंगे, आप उनसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, और वो आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे. तो आप ये दोनों में से कोई भी एक खरीद सकते हैं. प्लस आप YouTube की लाइव क्लासेस देख सकते हैं जो कि फ्री है, और अनअकैडमी की ऐप पे स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री है, जो मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ 5 PM पे. कल हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, टोपोलॉजी ऑफ DNA, और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. जो हमने लाइव क्लास में देखा था, थोड़ा सा देखा था, उसके आगे हम पढ़ेंगे कल, ताकि हमारा DNA स्ट्रक्चर इन जनरल ख़त्म हो जाए जल्दी से, ताकि हम प्रैक्टिस कर सके. इस वीक के अंदर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, और हर हफ्ते अभी नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कोई भी जगह पे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्लास. ये सारे बेस्ट एडुकेटर्स हैं हमारे ऐप में, आप इन सब से पढ़ेंगे अगर आपने पेमेंट कर दी तो. उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे नया क्या है, ये अनअकैडमी एक्सेलरेट एक नया कोर्स चल रहा है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. और ये मैथमेटिकल साइंस के एडुकेटर्स हैं, और ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है. आप 1 month का सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 and 24 किसी का भी ले सकते हैं, जो आपके प्रेफरेंस में आता है आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि आप आसानी से खुद को प्रिपेयर कर सकें इस एग्जाम के लिए. नाउ लेट्स प्रोसीड. आज तक हमने पढ़ा कि शुगर क्या होता है, DL, स्मॉल DL, प्लस माइनस. देन फिशर से हावर्ड प्रोजेक्शन क्या होता है देखा. फिर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है. फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है ये देखा है आज तक. नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या हैं, कितने तरह के नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं,
फिर इनके डायग्राम बनाने सीखे, फिर हमने ट्रिक्स भी सीखा। यस बेटा प्रियंका, मैं यूट्यूब पे भी बताऊंगी, वहाँ पे भी बताऊंगी, वहाँ पे आप बस अटेंड कर लीजिए, आपका दो बार रिवीजन हो जाएगा, दोनों में बताया जाएगा। मैं ऑलरेडी 30 मिनट की क्लास में टोपोलॉजी बताई है, यहाँ पे भी बताऊंगी। उस क्लास में क्या हुआ ना, मैं मॉडल यूज़ की थी डीएनए का, जो मैं ठीक से यूज़ नहीं कर पाई, दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली, मैंने ध्यान ही नहीं, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि दिखेगा नहीं। तो कल की क्लास में वो मॉडल को ठीक से यूज़ करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप टोपोलॉजी अच्छे से पढ़ सकें। टोपोलॉजी पढ़ने के लिए आपको डीएनए पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा। ओके राकेश, थैंक यू प्रियंका, प्रिंसू। अच्छा, तो आपको मॉडल अगर नहीं देखेंगे तो आप टोपोलॉजी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो टोपोलॉजी पढ़ने के लिए मॉडल यूज़ करेंगे, एक्चुअली यूट्यूब पे नहीं दिख रहा था वो, हम कल ऐप में अच्छे से देख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा सारे नाइट्रोजीनियस बेसिस के केमिकल नेम्स और उनके स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद रखा जाए, ट्रिक्स देखा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है देखा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में, क्यों ए और सी के बीच में नाइट्रोजीनियस बेस नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है ये देखा। फिर एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है देखा, ये कैसे बनता है देखा। फिर ये कुछ टर्म्स है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, ये देखा। देन हमने देखा वॉटसन क्रिक पेयरिंग क्या होता है, एंटी पैरेलल नेचर क्या होता है, 5' से 3' क्या होता है, 3' से 5' क्या होता है। फिर हमने देखा कि दो चेन्स जो होते हैं वो स्टैकिंग इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ में रह पाते हैं एंड स्टेबिलिटी आती है। तो कल भी हमने इस बारे में बात की थी, स्टैकिंग इंटरेक्शन के बारे में। देन हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर शुगर पकरिंग, टॉटोमेरिज्म, ये सब देख चुके हैं हम। फिर हमने देखा कुछ माइनर बेसिस भी होते हैं डीएनए आरएनए में, मेजर बेसिस ए टी सी जी के अलावा, जिनको हम मिथाइलेटेड बेसिस भी कह सकते हैं, उनके फॉर्म्स देखे, उनके एग्जाम्पल देखे। फिर हमने राइट हैंडेड हेलिक्स एंड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स क्या होता है देखा, फिर हमने बेस फ्लिपिंग क्या होता है देखा, पीरियोडिसिटी, पिच, डायमीटर, मेजर एंड माइनर ग्रुप के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन किया था। देन हमने देखा था मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप की केमिकल कंपोजिशन, उनकी इम्पोर्टेंस। देन हमने देखा था, कल हमने थोड़ा बहुत बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, आज और पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत बीच बीच में देखते रहते हैं, आज और अच्छे से देख लेंगे। फिर हमने कल देखा था, फिर कुछ दिन पहले हमने देखा था वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। फिर हमने देखा था चारगफ के क्या ऐसे कंक्लूजन है जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रक्चर बन पाया। फिर डबल हेलिक्स के डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन, दैट इज ए बी एंड जेड डीएनए, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है उस पर। फिर प्रोपेलर ट्विस्ट क्या होता है देखा। फिर हमने सीन एन एंटी कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है सीन एन एंटी टाइप का, वो देखा। फिर हमने ये दोनों टेबल्स पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से जानना है। फिर कल हमने शुरू किया नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्म, ये क्या है इसे शुरू करते हैं। डीएनए और आरएनए बिना एंजाइम के यूज किए भी उनका नेचर बदल सकता है, मतलब उनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। कल हमने देखा आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ एनएओएच और एल्केलाइन मीडियम इट ब्रेक्स डाउन, जो कि डीएनए में नहीं होता है, डीएनए ब्रेक नहीं करता है लेकिन आरएनए ब्रेक कर जाता है। एंड यही वो रीज़न है जो कि हमें बताता है कि क्यों डीएनए में 2' में एच ही रहता है, 2' में ओएच क्यों नहीं है, ये रीज़न है इसके पीछे। क्योंकि अगर आरएनए में ओएच रहता है तो वो आसानी से एनएओएच की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, ये हमने कल देखा था। देखिए यहाँ पे एनएओएच की वजह से ये वाला ओएच जो है ये अटैक किया इस एच पे, इसने इस फॉस्फेट पे अटैक किया, यहाँ पे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया जिस वजह से ये ओ ओ एच में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए ये ओ पी पी सॉरी ओ ओ पी ओ और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे देखिए इसको कहा जाता है मिक्सचर ऑफ 2' and 3' मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव, मतलब ये देखिए 2' है ना कार्बन, ये 3' कार्बन है, तो ये 2', 3' और ये एक ही फॉस्फेट है, तो मिक्सचर ऑफ 2', 3' मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसे डेरिवेटिव्स बन जाएंगे डीएनए आरएनए में अगर आरएनए में आरएनए को हम एनएओएच से ट्रीट करेंगे। इसीलिए हमें डीएनए को बचाने के लिए सेल ने क्या किया, डीएनए में 2' में एच ही है, ओएच नहीं है। अगर ओएच नहीं होगा तो एनएओएच अटैक किसके ऊपर करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अटैक करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आरएनए इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू डीएनए, मैं इसको डिलीट करती हूँ, फिर से देखते हैं एक बार, आज इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए एनएओएच
हाँ ये जो ओ एच है ये अटैक करता है इसके ऊपर, सेकेंड प्राइम ओ एच के ऊपर, है ना। अगर सेकेंड प्राइम में एच ही होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एन ए ओ एच है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं उसको अटैक करने के लिए, क्योंकि ये ओ होने की वजह से ना ये एच फ्री रह रहा है और ये इसके साथ चला जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल बन के। अगर ये ओ होगा ही नहीं तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन के ओ एच के साथ जाएगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर एन ए ओ एच का जो ओ एच है ये चाहता है कि इसको ये एच मिल जाए और ये वाटर बन के निकल जाए। अगर ये ओ होगा ही नहीं तो ये एच जा नहीं पाएगा, क्योंकि ओ और एच के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसकी वजह से ये एच आसानी से इससे ब्रेक डाउन होके जा सकता है। जब ओ होगा ही नहीं तो ऐसा होगा ही नहीं, तो हमारा डीएनए इज सर्टेनली वेरी स्टेबल। एंड दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरएनए। यहाँ पे बिना एंजाइम के यूज किए आरएनए को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैसे, देखिए ये वाला चीज, ये वाला यहाँ पे है और यहाँ से आरएनए टूट गया। अब यहाँ से छोटा आरएनए, शॉर्टेंड आरएनए, ऐसा तो सेल के अंदर में म्यूटेशन रिलेटेड मतलब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सेल में, ये एरर है, तो इसके लिए डीएनए में ओएच नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने फिर देखा कल कि डीएमिनेशन नाम का भी एक नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन था। पहला तो हमने देखा आरएनए व्हेन ट्रीटेड विथ एनएओएच, अब हम देखेंगे डीएमिनेशन व्हिच इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा अमीनो जो हमारा नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो डीएमिनेट कर जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे ये वाला अमोनिया ग्रुप है ये हट गया, यहाँ पे उसकी जगह पे कार्बोनिल कार्बन आ गया, तो साइटोसिन कन्वर्ट हो गया यूरासिल में। वैसे यहाँ पे देखिए ये कन्वर्ट हो गया फिर से कार्बोनिल कार्बन में, इसको बोलते हैं डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन किसका होता है, डीएमिनेशन होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का। ये बात याद रखेंगे, सबसे मेन बात आपको याद रखना है कि साइटोसिन डीएमिनेट होने से यूरासिल बनता है और एडेनाइन डीएमिनेट होने से हाइपोजैंथिन और ग्वानिन डीएमिनेट होने से जैंथिन। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। क्या क्या, तो डीएमिनेशन पहला तो नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एनएओएच एंड आरएनए का, याद रखना है। सेकेंड हो गया डीएमिनेशन ऑफ प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है, साइटोसिन यूरासिल में डीएमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर साइटोसिन यूरासिल में डीएमिनेट हो जाएगा तो नॉर्मली साइटोसिन किसके साथ लगा होता है, ग्वानिन के साथ। अब ये यूरासिल में डीएमिनेट हो गया तो ये थायमिन के साथ लग जाएगा, इसीलिए डीएनए रिपेयर एंजाइम्स आते हैं। अब ये डीएनए रिपेयर एंजाइम्स क्या करते हैं, तो दे कन्वर्ट दिस डीएमिनेटेड यूरासिल बैक टू साइटोसिन, वो यूरासिल को फिर से साइटोसिन बना देते हैं। लेकिन अगर डीएनए में यूरासिल होता हमेशा तो क्या होता, अब ये नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो डीएनए रिपेयर एंजाइम है ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, इनको हर जगह पे यूरासिल दिखता, ये कन्फ्यूज हो जाते कि ये नया यूरासिल है डीएमिनेशन की वजह से बना है या प्री एग्जिस्टिंग यूरासिल है। इसीलिए ही डीएनए में थायमिन होता है, यूरासिल नहीं होता, ताकि अगर बाय चांस कोई साइटोसिन डीएमिनेट होकर यूरासिल बन जाए तो डीएनए रिपेयर एंजाइम को नया यूरासिल अचानक से दिख जाएगा, वो डर जाएगा, हे भगवान ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन यही अगर यूरासिल पहले से होते डीएनए में तो डीएनए रिपेयर एंजाइम को चेक ही नहीं कर पाता, तो क्या होता, डीएनए में जो रिपेयर जो एरर है वो रहते जाता, ठीक है। और भी कुछ केसेस है, एडेनाइन हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट होता है, ग्वानिन जैंथिन में, जो कि याद रखना है खाली कि डीएमिनेशन में अमीनो ग्रुप हट जाता है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का, आज और तीन चार एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। फिर हमने कल देखा था डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए डीनेचुरेशन कर्व देखा था। चलिए आप शुरू करते हैं थर्ड टाइप ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये पहला एग्जाम्पल तो डीएमिनेशन ही हमने देख लिया, सबसे पहला था कि आरएनए का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मीडियम, फिर था डीएमिनेशन जिसमें कि साइटोसिन यूरासिल का कॉन्सेप्ट आया, जिसकी वजह से हमें ये क्लियर हुआ कि डीएनए में यूरासिल है थायमिन नहीं है। थर्ड आता है डीप्यूरिनेशन, ये थर्ड नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। डीप्यूरिनेशन का मतलब क्या होता है, प्यूरिन का हट जाना, मतलब
यूरिन क्या क्या है? एडेनाइन ग्वानाइन। इसमें क्या होता है, ये जो शुगर है इसका जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा एडेनाइन या ग्वानाइन के साथ में वो टूट जाएगा और ये एडेनाइन या ग्वानाइन वहां से हट जाएंगे, जिसकी वजह से एक ए बेसिक साइट डेवलप कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है डीएनए रिपेयर सिस्टम का। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे, ये आपको दिमाग में अगर रहेगा तो ये आसानी होगी। वहां पे देखिए, यहाँ पे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स अलॉन्ग विद द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट अंडरगो साइमल्टेनियस ऑल्टरेशन इन देयर कोवेलेंट स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है कि उनमें, यहाँ पर देखिए, ये वाला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूट जाता है, ये हमारा शुगर है, ये क्या है, ये ग्वानिन है, एक टाइप का प्यूरिन है। प्यूरिन क्या क्या है? एडेनाइन ग्वानिन। ये टूट जाने की वजह से देखिए ये ग्वानिन अलग हो गया और ये शुगर अलग हो गया। अब इस शुगर को ए प्यूरिनिक रेसिड्यू कहेंगे और ये डीएनए एरर है एक, और इसको डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म से ठीक किया जाएगा। तो जब आप डीएनए रिपेयर पढ़ेंगे, ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये और एक टाइप का नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो डीप्यूरिनेशन कहाँ होता है? दिस ऑकर्स एट ए हायर रेट फॉर प्यूरिन देन फॉर पिरिमिडिन। ये बात याद रखेंगे, डीप्यूरिनेशन से प्यूरिन ही नहीं, यानी ए बेसिक साइट जो बनता है ना, ए बेसिक साइट का मतलब क्या है? बेस है ही नहीं, बेस टूट के जा चुका है। तो बेस की जगह पे क्या रहता है? या तो प्यूरिन या तो पिरिमिडिन। तो हमारे शुगर के साथ में या तो प्यूरिन होगा नहीं तो पिरिमिडिन होगा। तो ये प्यूरिन या पिरिमिडिन ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटने की वजह से हट जाते हैं, जिसकी वजह से वी गेट अ ए बेसिक साइट, ठीक है। तो ये जो ए बेसिक साइट डेवलप करता है, ये प्यूरिन के केस में ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू पिरिमिडिन। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ग्वानाइन है अगर या एडेनाइन है तो जल्दी ये टूटेगा, लेकिन वही अगर साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन है इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। तो इतनी जल्दी ए बेसिक साइट साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन के लिए नहीं बनेगा, लेकिन किसके लिए बन जाएगा? तो प्यूरिन के लिए। तो इट ऑकर्स एट अ हायर रेट फॉर प्यूरिन्स दैन फॉर पिरिमिडिन्स, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा, देखो, एज मेनी एज 1 in 105 प्यूरिन्स आर लॉस्ट फ्रॉम डीएनए इन 24 आवर्स। मतलब 24 आवर्स में 105 प्यूरिन्स डीएनए से चले जाते हैं, सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। इसको अगर डीएनए रिपेयर एग्जाम्स ठीक ही नहीं करेंगे तो यही फिर क्या क्रिएट करेंगे? म्यूटेशन, कैंसर, यही सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड कार्सिनोजेनेसिस। मतलब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डीएनए का, जिसके लिए एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, या तो एनएएच होने से आरएनए टूट जाएगा, नहीं तो सिंपली वो डीएमिनेशन कर जाएगा, नहीं तो सिंपली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूट जाएगा। इनमें से अगर कुछ भी हो जाएगा जिसमें एंजाइम की ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा? उसे बोलेंगे चेंज, गलत चेंज। ये गलत चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, ऑल्टरेशंस इन डीएनए स्ट्रक्चर। ऑल्टरेशन मतलब चेंज। ये चेंज क्या है? नॉन एंजाइमेटिक। ऑल्टरेशन इन डीएनए स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस परमानेंट चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऑफकोर्स अगर समझ लीजिए ए और टी है, लेकिन यहाँ पे जो शुगर है उसके साथ ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये टूट जाएगा तो अब ये टी तो रहेगा ही नहीं ना, तो इससे तो जेनेटिक मटेरियल का इंफॉर्मेशन बदल गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड देयर इन आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस, और यही म्यूटेशन अगर रह जाता है तो एजिंग या कार्सिनोजेनेसिस होता है। मतलब जल्दी जो एज कर जाते हैं उसके पीछे का रीजन भी यही होता है, सेल्स में नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज वेरी मच फास्ट एंड कार्सिनोजेनेसिस। मतलब यही कैंसर को भी लीड कर सकता है, ठीक है। कैंसर मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। तो कभी कभी यही नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सेल साइकिल कंट्रोल ब्रेकडाउन कर जाता है। सेल साइकिल कंट्रोल ब्रेकडाउन कर जाएगा तो जितने सेल्स बनने चाहिए हर साइकिल में, उसे कहीं ज़्यादा बनेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्सिनोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। तो हमारा नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का अभी तक हमने 3 चीज़ देखा, क्या क्या? एनएओएच ऑन आरएनए, डीएमिनेशन ऑन डीएनए, दैट इज डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन एडेनाइन, ये सब देखा, और उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ
A basic site, and this A basic site forms faster for purine than for pyrimidine. Am I clear? अभी तक क्या मैं क्लियर हूं? क्या मैं क्लियर हूं अभी तक? क्या मैं क्लियर हूं अभी तक आप लोगों को? तीन तरह से नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हमने, क्या क्या? यस, थैंक यू प्रिंसू. अभी तक हमने तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, क्या क्या? आरएनए का ब्रेकडाउन देखा एनएओएच में, डीएमिनेशन देखा, इसकी वजह से हमें आंसर मिला कि क्यों डीएनए में 2'OH नहीं होता. इसकी वजह से आंसर मिला कि क्यों डीएनए में थाइमिन होता है. थर्ड हमने देखा डीप्यूरिनेशन, इससे हमको ये पता चला कि प्यूरिन जल्दी हट जाता है शुगर से एज कम्पेयर टू पाइरिमिडिन. ठीक है, ओके प्रियंका, थैंक यू प्रिंसू. ठीक है, अब यही डीएमिनेशन का थोड़ा सा मैंने ये एक पॉइंट कल नहीं बोल पाई थी वो लिखी हूँ. ऑन एन एवरेज इन अ मैमिलियन सेल डीएमिनेशन ऑफ एडेनाइन एंड ग्वानाइन ऑकर्स एट 1/100th रेट. मतलब क्या है? टिपिकल सेल्यूलर कंडीशंस में डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरासिल ज़्यादा होता है. मतलब 1 in every 107, मतलब 107 साइटोसिन से एक जल्दी से, मतलब 107 साइटोसिन में अगर है हमारे पास तो उसमें से कोई एक जरूर होगा जो कि डीएमिनेट कर जाएगा यूरासिल. ठीक है, तो साइटोसिन से यूरासिल का डीएमिनेशन कहीं ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू एडेनाइन एंड ग्वानाइन. ये बात थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि साइटोसिन से डीएमिनेशन यूरासिल होने से ज़्यादा फास्ट है, इसलिए ही बेचारे डीएनए को थाइमिन लाना पड़ा. तो साइटोसिन से यूरासिल का डीएमिनेशन बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू एडेनाइन एंड ग्वानाइन. ये पॉइंट कल खाली रह गया था. ये वही डायग्राम है जो हमने कल देखा था. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप है नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यूवी इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो फर्स्ट क्या है? आरएनए इन केस ऑफ एनएओएच. सेकेंड क्या है? डीएमिनेशन. थर्ड क्या है? डीप यूरिनेशन या ए बेसिक साइट. दिस इज फोर्थ, यूवी इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब यूवी रेस की वजह से कैसे डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, या आपको मैंने बताया अभी, यही चेंजेस को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन. इसे क्लियर करना क्यों जरूरी है? नहीं तो एजिंग होगी फास्ट और यही कैंसर को भी लीड करेगा. ठीक है, तो यूवी रेस की वजह से क्या होता है, सीधे पहले डायग्राम ही देख लेते हैं. देखें, ये है एक थाइमिन डाइमर. मतलब समझ लीजिए, यहाँ टी है, यहाँ ए है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी ए है. ये जो थाइमिन दोनों एक साथ अगर मिल गए कहीं पे यूवी रेस को, यूवी रेस क्या करेंगे, ये थाइमिन डाइमर को नॉर्मल नहीं रहने देंगे, उनके बीच में ऐसे बॉन्डिंग कर दे. कहाँ पे? 6th और 5th कार्बन में. देखिए यहाँ पे, ये हमारा थाइमिन है, ये भी हमारा थाइमिन है. इसका 6th और 5th जो कार्बन है, ऊपर वाले थाइमिन का, नीचे वाले थाइमिन के साथ में देखिए ये बॉन्ड बना लिया. इसकी वजह से इसको कहा जाता है साइक्लोब्यूटेन थाइमिन डाइमर. साइक्लोब्यूटेन नहीं है, देखिए ये कार्बन 1, 2, 3, 4, चार ही कार्बन है, साइक्लिक रिंग है, इसलिए साइक्लोब्यूटेन. और ये एक थाइमिन है, ये भी एक थाइमिन है. नॉर्मली क्या था, टी और ए रहता था, लेकिन अगर कोई इंसान समझ लीजिए बहुत बार यूवी रेज के कांटेक्ट में आ रहा है, वो सनस्क्रीन इतना अपना नहीं लगा रहा है, वो अपना ख्याल नहीं रख रहा है और यूवी रेज में कंटिन्यूसली काम कर रहा है, तो उसका जहाँ पर ऐसा होगा, दो थाइमिन होगा एंड थाइमिन डाइमर क्या है वही बता रही बेटा. जहाँ पर ऐसा थाइमिन होगा वो क्या करेगा, वो थाइमिन को डाइमर में कन्वर्ट कर देगा. देखिए ये मोनोमर है, थाइमिन थाइमिन, लेकिन यही थाइमिन अगर एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लिए तो यही हो जाएगा हमारा थाइमिन डाइमर. कहाँ पे बॉन्डिंग हो गई है, देखिए 5th और 6th ऑफ अपर थाइमिन एंड 5th और 6th ऑफ लोअर थाइमिन. देखिए इसी को बोलते हैं थाइमिन डाइमर. पहले मोनोमर्स थे लेकिन अब क्या हो गए, डाइमर्स. तो अब इसको क्या कहा जाएगा, साइक्लोब्यूटेन थाइमिन डाइमर. साइक्लोब्यूटेन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि देखिए चार कार्बन है ना, 1, 2, 3, 4 साइक्लिक रिंग है, इसलिए. ठीक है,
तो यूवी रेस की वजह से ये एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है और एक टाइप का होता है। पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया? अच्छा रश्मि रंजन, हाउ यूवी रेस कॉजिंग एजिंग। रुकिए एक सेकंड, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। बेटा देखिए, यूवी रेस हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। देखिए इसीलिए जो लोग इक्वेटर के आसपास रहते हैं विदाउट मून, यस बेटा प्रियंका, यस बिना ये जो इंटरेक्शन है इसके बिना थायमिन्स को मोनोमर कहा जाएगा। एक एक अगर ऊपर है बाय चांस अगर कहीं पर टी ए और टी ए आ गया ये मोनोमर है, लेकिन इन्हीं के बीच में अगर इंटरेक्शन हो गया तो वो हो जाएगा थायमिन डाइमर। ओके मैं जो बता रही थी, देखिए जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं, हम जैसे कि इक्वेटर के पास रहते हैं, उनके बॉडी में उनके स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा कलर क्या है, ब्राउनिश है, व्हाइटिश है हम ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो मेलानिन है ये हमारे स्किन में यूवी रेस की पेनिट्रेशन को कम कर देता है। ठीक है, यूवी रेस की पेनिट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, इस टाइप के फॉर्मेशन कम हो जाएंगे। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स डेवलप करने लग गई, क्या थायमिन डाइमर जैसे कि बन गया, ये एक टाइप है, ये एक टाइप है यूवी रेस की वजह से, तो क्या होगा, इसको बोला जाएगा डीएनए एरर। अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा। अगर ये रिपेयर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये एक्यूमुलेट करता जाएगा, मतलब हमारे सेल में ये रहता जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे सेल में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन बोला जाएगा। फिर उसको म्यूटेशन होने की वजह से देखिए एक बात हो जाती है, समझ लीजिए कि एक टी डबल बॉन्ड ए, टी डबल बॉन्ड ए, सी जी, जी सी, ये समझ लीजिए एक रीजन है डीएनए का, जिससे समझ लीजिए एक प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए जो बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए यूवी रेस की वजह से ये दोनों का नेचर चेंज हो गया, ऐसा वाला रिएक्शन हो गया इनके बीच में, ये दोनों थायमिन के बीच में। अब जो प्रोटीन बनेगा वो नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि डीएनए तो खराब हो गया है, डीएनए में तो एरर आ गया है ना। तो टी ए, टी ए अब ये नॉर्मल नहीं रहे, इनके बीच में ऐसा वाला रिएक्शन हो गया, वो थायमिन डाइमर बन गए। अब इससे जो प्रोटीन बन रहा था वो नहीं बनेगा, ये तो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से तो प्रॉब्लम होगा बेटा एजिंग। हाँ देखिए इसकी वजह से तो प्रॉब्लम होगा। अब देखिए क्या होगा, अब ये प्रोटीन तो नहीं बना हमारे सेल में, हमारे सेल में ये प्रोटीन नहीं बना तो हमारा सेल क्या करेगा, इस प्रोटीन के बिना क्या करेगा, उसे क्या करना पड़ेगा। अब अगर समझ लो ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सेल क्या करेगा, वो सिग्नल करेगा कि मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मैं बीमार हो चुका हूँ, मेरे पास प्रोटीन ठीक से नहीं बना है। तो वो सेल क्या करेगा, एपोप्टोसिस, एक प्रोसेस है जिसमें कि सेल इंटरनली प्रोग्रामिंग की वजह से मर जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर आसपास के एरिया को कुछ नुकसान नहीं होता लेकिन वो सेल खुद मर जाता है। तो ये एपोप्टोसिस वो सेल कर लेगा, अगर ऐसा कंटिन्यूसली होता रहेगा तो सारे सेल्स हमारे एपोप्टोसिस में चले जाएंगे, जिसकी वजह से एजिंग हो जाएगी। तो मैम इसमें नंबरिंग कैसे हो करे हो, अच्छा ठीक है रुकिए। तो ये रीज़न है कि अगर कोई डैमेज डीएनए में हो गया बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप कर जाएंगी और वो सेल को एट लास्ट एपोप्टोसिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर कैंसर कैसे हो सकता है, बाय चांस समझ लीजिए सेल साइकिल के जो रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल साइकिल होने से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, इसका रेगुलेशन ज़रूरी है, मतलब हर स्टेप में चेक करना होता है हमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं, सब ठीक है या नहीं, कहीं कोई म्यूटेशन तो नहीं है। तो ये सब चेक करने के बाद ही वो सेल दो डॉटर सेल बनाता है। लेकिन यही अगर सेल साइकिल कंट्रोल के रेगुलेशन के जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, ये दो सेल बना के रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल दो ही सेल की जरूरत, तो दो सेल बना के रुक जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करेंगे, कंटिन्यूसली जो डॉटर, जो पेरेंट सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डॉटर सेल्स बनाते जाएंगे, इसी को बोलेंगे अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन। कैंसर का मतलब क्या होता है, अगर एक वर्ड में कोई बोलेगा, दैट इज अनरेगुलेटेड सेल डिविजन। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो डीएनए रिपेयर। अब डीएनए रिपेयर करने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहली बात तो ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, दिस इज नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और ये यूवी रेस की वजह से होगी। इसीलिए बचने के लिए मैम लैमिनर में भी यूवी रेस निकलती हो उस पर वर्क क्यों करते हैं,
लैमिनर फ्लो में यूवी रेज जो निकलती है बेटा, इसीलिए ही तो उससे हमको प्रोटेक्शन के लिए किट वगैरह पहनना पड़ता है। हम तो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, ये तो मैंने बोला नॉन एंजाइमेटिक, जहाँ पे एंजाइम कुछ यूज़ नहीं हुआ है, किसी कारण की वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे खाने में, खास के कलरिंग एजेंट्स के बारे में आपने सुना होगा, जो पकौड़े खाते हैं बाहर दुकान में मिलता है उसको कलर कर दिया जाता है, प्लस जो चाउमीन वगैरह या जो भी हम मार्केट से खाते हैं उनमें बहुत सारे फूड कलरेंट्स मिले होते हैं, इनमें भी ये जो केमिकल्स है ये भी कार्सिनोजेनिक हैं। वैसे ही जो यूवी रेज हम इंस्ट्रूमेंट्स में या लैब में काम करते हैं या हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैंडल करते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, हमें वैसा अपने आप को कवर करना होता है, और जो नहीं करते हैं उन्हीं को धीरे धीरे ये बीमारी होने लग जाती है, हमारे डीएनए डैमेज होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रिंसु, कैसे ये लेबल कैसे हुआ है थायमिन का, तो थायमिन पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये थायमिन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये थायमिन है, ये वन है, ठीक है, और ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। ठीक है बेटा, ETBR, हाँ बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड भी, अगर ऐसी चीज़ों को हम हैंडल कर रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें वैसे ग्लव्स पहनना होगा, वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, वैसा कोट पहनना होगा, एंड प्लस जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन चीज़ों को ठीक से फिर डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो रह जाएंगे एनवायरनमेंट में और किसी और को नुकसान। ठीक है प्रिंसु, देखो बेटा समझ में आया, ये एन है ना, थायमिन को अगर ड्रॉ करूँगी दिस इज एन, ठीक है, तो ये वन है और फिर यहाँ से लेबल किया गया है 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज फिफ्थ कार्बन, दिस इज सिक्स्थ कार्बन, और यूवी रेस की वजह से जो समझ लीजिए कहीं पर टी ए है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज साइक्लोबिटेन थायमिन डाइमर। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम है जो कि यूवी रेस की वजह से आता है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू यूवी रेस। अब सेकेंड टाइप क्या है वो देख लेते हैं। सेकेंड टाइप में एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं 6-4 फोटो प्रोडक्ट, मतलब 6 और 4 के बीच में लिंकेज हो जाता है, 6 और 4 के बीच में इस तरह से दिखाई देता है क्लॉकवाइज। बेटा प्रियंका क्लॉकवाइज नहीं, देखिए हम इसको फिर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एन है, ठीक है, ये वन होता है, ऐसे मैंने बोला था ना, ये एन है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा, हमेशा नाइट्रोजीनियस बेसिस ऐसे नंबरिंग होता है, आपको बस वन कौन सा है वो याद रखना है, उसके बाद ऐसे करके लेबल कर नंबर कर देंगे। ठीक है, ओके, सेकेंड टाइप में 6 और 4 के बीच में, मतलब 6 ये है और हमारा 4 ये है, 6 और 4 के बीच में ये 4 है, ठीक है, ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन, इनके बीच में इस तरह से इंटरेक्शन देखा जाता है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है 6-4 फोटो प्रोडक्ट, और इसे कहा जाता है साइक्लोबिटेन थायमिन डाइमर। ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है पता है आपको, इससे ना आपको डीएनए रिपेयर जो चैप्टर है ना उसमें से क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, वो आपको अभी से ही आधा सॉल्व हो जाएगा। हाँ बेटा प्रियंका, स्ट्रक्चर में बता दीजिए, मतलब थायमिन स्ट्रक्चर में बता दूँ आपको, रुकिए थायमिन स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ तो होगा नहीं, तो आप अगर ये नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से पढ़ेंगे ना, आपको डीएनए जो रिपेयर एंजाइम पढ़ेंगे ना, डीएनए रिपेयर बहुत इजी होगा आपके लिए, आधी चीज़ें आपको यहीं पे पता चल गई। ठीक है, देखिए बेटा ये है थायमिन, ठीक है, ये वन है, ठीक है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, इस तरह से होता है नंबरिंग। यहाँ पे ये वन है, ठीक है, ये वन है, इस तरह से नंबरिंग होता है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, हाँ ये 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नंबरिंग होता है। ठीक है मैम, इस स्ट्रक्चर में कौन से स्ट्रक्चर बेटा, मैंने तो उसमें बताया आपको, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ना, ये वन है, ठीक है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ठीक है, ठीक है, जो अभी ओपन था कौन सा, ये वाला ना पुराना जो मैम, उसी स्ट्रक्चर में,
इसी स्ट्रक्चर में या पीछे जाएं, बताओ मुझे जल्दी बोलो। इसी में यहाँ यहाँ पे करते नहीं तो मैं यहाँ पे और एक ड्रॉ कर देती हूँ थायमिन। ये एन है, ये वन है, ठीक है। फिर इस तरह से लेबल करना है ना, ये सेकेंड कार्बन होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये थर्ड, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, फोर में भी सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। तो इसको ये वाला सिक्स है, ये वाला फाइव है, ये वन है, हमेशा वन याद रखिए, बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब वहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, क्योंकि वो डायग्राम मैं फिर आपको बस ये याद रखना है। देखो मुझे क्या याद रहता है, मुझे याद रहता है कि वन किसको नंबर करना है, और उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे जैसे कार्बोनिल है, ये सब मुझे याद रहता है। तो इस तरह से होगा इसी में, तो ठीक है यहाँ पे समझ में आया। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, यहाँ पे बना है सिक्स और फाइव के बीच में साइक्लोब्यूटेन थायमिन डाइमर, यहाँ बना है सिक्स और फोर के बीच में, इसको बोला जाएगा सिक्स फोर फोटो प्रोडक्ट, ठीक है, हो गया यहीं पे। तो ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। तो सीधा कर लेंगे तो ऐसे बना देते हैं, वन ऐसा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो सेकेंड में क्या है वो भी ध्यान रख लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ है, फोर में क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आपको याद रहा, तो फोर्थ टाइप का नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्या है फोर्थ टाइप का नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है यूवी रे इंड्यूस्ड। तो यूवी रे इंड्यूस्ड की वजह से क्या होगा, हमारे थायमिन डाइमर्स बन जाएंगे। कौन से थायमिन डाइमर, यहाँ पे देखिए, इन द सेल्स द सेम रिएक्शन बिटवीन एडजेसेंट पाइरिमिडिन बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म साइक्लोब्यूटेन पाइरिमिडिन डाइमर्स। मतलब साइक्लोब्यूटेन का ही तो ये पाइरिमिडिन डाइमर है ना, ये क्या है हमारा पाइरिमिडिन, क्या है सी यू टी, तो यहाँ पे थायमिन का डाइमर है, तो ये एक साइक्लोब्यूटेन बना कि नहीं वहां पे, क्योंकि तो चार ही कार्बन थे जो कि साइक्लिक फॉर्म में थे। तो जो पाइरिमिडिन है अब वो पाइरिमिडिन डाइमर बन गया है, साइक्लोब्यूटेन पाइरिमिडिन डाइमर। दिस हैपेंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली विद एडजेसेंट थायमिन रेसिड्यूज, ऐसा बहुत बार देखा गया है। इसलिए कहा जाता है कई बार कि आप जब भी अगर गर्मियों के सीजन में बाहर निकले, खास करके हमारे देश में, तो सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है। देखिए बेटा, सनस्क्रीन कोई एक फीमेल प्रोडक्ट नहीं है, आप सनस्क्रीन अगर यूज करेंगे तो यूवी रेज का जो हार्मफुल इफेक्ट है एटलीस्ट वो थोड़ा लेवल पे कम हो जाएगा, खास के उनके लिए जिनका कंटिन्यूसली यही काम है बाहर निकलने वाला। तो यूवी रेज में, खतरनाक यूवी रेज में अगर वो रहेंगे तो ऐसा ही होगा। वैसे तो यूवी रेज जो खतरनाक है, तो बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स इस टाइप के देखे गए, हम उन्हें कम कर सकते हैं, ठीक है, पूरा प्रिवेंट नहीं कर सकते, कम कर सकते, यही फिर स्किन कैंसर को डील कर आगे जाके ले जाता है, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से साइक्लो थायमिन या पाइरिमिडिन डाइमर्स थे, कौन कौन से पाइरिमिडिन डाइमर्स थे बताओ, जल्दी बताओ कौन कौन से पाइरिमिडिन डाइमर्स थे। एक तो था क्या साइक्लोब्यूटेन थायमिन डाइमर है ना, सेकेंड क्या था सिक्स फोर था ना, सिक्स फोर फोटो प्रोडक्ट, ये दो तरह के थायमिन डाइमर्स हैं। क्रीम का नेम बेटा सनस्क्रीन, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं सनस्क्रीन के, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, खास के वो जो बाहर ज़्यादा यूवी रेज में दिन के दोपहर के टाइम में, खास के जो गर्मियों के सीज़न में अगर आप देखेंगे तो 10-11 बजे से लेके 3 बजे तक का जो यूवी रेज होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। तो सनस्क्रीन कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जिसमें थोड़े कम केमिकल्स हो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जिंक हो, खास के जिंक बेस्ड ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म 6-4 बाई फोटो प्रोडक्ट ड्यूरिंग यूवी रेडिएशन। अब इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी और यूज़ हैं, और भी उनके खतरे होते हैं, जैसे कि एक्सरे, गामा रे, ये भी हो सकते हैं, और इनकी वजह से भी रिंग ओपनिंग एंड फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। मतलब एक्सरे और गामा रे जो होते हैं ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, आयोनाइजिंग मतलब ये आयंस को कन्वर्ट कर देते हैं हमारे प्यूरिन्स के और प्यूरिमिडिन्स के एटम्स को, मतलब आयनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिंग होता है वो खुल जाता है। जैसे समझ लीजिए ये थायमिन का रिंग है, ये खुल के अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस वजह से क्या होता है, डीएनए का जो बैकबोन होता है वही टूट जाता है, तो डीएनए में जो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है वो टूट जाता है। तो यूवी रेस के अलावा
एक्सरेज और गामा रेज भी बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हमने क्या क्या अभी तक देखा नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस में, हमने देखा NaOH विथ RNA, फिर हमने देखा डीएमिनेशन, हमने देखा डीएमिनेशन साइटोसिन का सबसे ज्यादा होता है, फिर हमने देखा यूवी रे मीडिएटेड थायमिन डाइमर फॉर्मेशन, इसके दो प्रोडक्ट्स थे, एक फोटो प्रोडक्ट था, एक साइक्लोबिटेन था, फिर हमने देखा कि एक्सरे और गामा रे भी बहुत हार्मफुल होते हैं और ये रिंग ओपनिंग करते हैं एंड ब्रेक द बैकबोन। इतना बात याद रह गया सबको, हमने क्या क्या पढ़ा हो गया। तो और यूवी रेस की वजह से क्या हो जाता है, डीएनए में किंक आ जाता है। किंक किंक मतलब क्या है, रिंकल की तरह आ जाता है, मतलब वो और ऐसे जैसे उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर था वैसे ना होके वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, किंक आ जाता है। किंक क्यों, क्योंकि थायमिन डाइमर बन गया। देखो यहाँ पे थायमिन डाइमर बन गया, ये देखो 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 ATAT, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ ए है, यहाँ पे टी है, इनके बीच में डाइमर बन गया। देखो ये देखो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, इसकी वजह से ऑफकोर्स ना वो थोड़े से ऐसे अजीब से हो जाएंगे, किंक बोलेंगे जिसको, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप ऑफ डीएमिनेशन, डीप्रियोनेशन में भूल गई, फोर्थ टाइप ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आरएनए का ब्रेकेज ड्यू टू एल्किली, देन हमने देखा डीएमिनेशन जिसमें साइटोसिन से यूरासिल बन जाता है जिसकी वजह से डीएनए में थायमिन है और यूरासिल नहीं है। थर्ड हमने देखा डीप यूरिनेशन, फोर्थ हमने देखा यूवी रे की वजह से किंक आ जाता है, थायमिन डाइमर बन जाता है, फिफ्थ हमने देखा कि एक्सरे और गामा रेज भी कभी कभी हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। कैसे, दे प्रोड्यूस आयनाइजिंग, दे आर आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड दे कॉज रिंग ओपनिंग एज वेल एज और ब्रेक और ब्रेक इन द बैकबोन ऑफ डीएनए और आरएनए। एम आई क्लियर टिल नाउ बच्चा लोग, और क्या अभी तक सब क्लियर है आप लोगों को। कल मेरी क्लास स्पेशल क्लास करने 5 बजे आ जाइएगा, मेरा कोड यूज़ करिएगा शेल के टेन, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, हम वहाँ पे टोपोलॉजी पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम वहाँ पे मॉडल यूज़ करेंगे डीएनए के लिए, एक वायर यूज़ कर लेंगे, नहीं तो कुछ ऐसा यूज़ करेंगे, और हो सके तो आप लोग भी वायर या दो कलर का कुछ ले आइए, धागे तो दो कलर ऐसे आपस में हो, और उसमें मैं जब बताऊँगी आप खुद उसमें जब देखेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो कल हम मस्ती करेंगे शाम को 5 बजे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि डीएनए के लिए डीएनए हर जगह पे चेंजेस हो सकते हैं यूवी रेज की वजह से, और यूवी रेडिएशन ज़्यादातर 200 टू 400 नैनोमीटर ज़्यादा हार्मफुल होता है, और ये जो पायरिमिडिन डाइमर्स बनते हैं इसकी वजह से हमें स्किन, ह्यूमन स्किन सेल्स को बहुत डैमेज हो जाता है, ठीक है, यूवी रेज की वजह से। ओके थैंक यू प्रिंसु प्रियंका, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और 10% जितने भी डैमेजेस हैं डीएनए में वो सब एनवायरमेंटल एजेंट्स की वजह से होते हैं। एनवायरमेंटल एजेंट्स मतलब केमिकल्स जो एनवायरमेंट में है, यूवी रे, एक्सरे, गामा रे, 10% जो भी डैमेजेस हैं उसके लिए यही जिम्मेदार है, यही सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, ठीक है। चलिए अभी तक तो हमने देखा था नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस, अब हम देखते हैं उसी के अंडर ही एक और कितना कौन सा टॉपिक होगा, ये फिफ्थ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब हमने किसकी किसकी वजह से देखा, NaOH की वजह से देखा, फिर हमने देखा डीएमिनेशन, फिर हमने देखा डीप यूरिनेशन, फिर हमने देखा यूवी रे, एक्सरे, गामा रे, अब हम देखेंगे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ ऐसे केमिकल्स भी है जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एग्जांपल है नाइट्रस एसिड और एल्कालाइटिंग एजेंट्स, दो एग्जांपल है। क्या क्या, नाइट्रस एसिड HNO2 विच इज़ अ डीएमिनेटिंग एजेंट, जो डीएमिनेशन हमने ऊपर देखा था उसके लिए कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। डीएमिनेशन जो हमने ऊपर देखा था जहाँ पे साइटोसिन यूरासिल में डीएमिनेट हो रहा था, इट वॉज विदाउट द यूज़ ऑफ एनी डीएमिनेटिंग एजेंट, लेकिन जब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डीएमिनेटिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, मतलब केमिकल यूज़ हो रहा है, कौन सा, HNO2। तो अब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में दो रीजन्स हैं, क्या क्या, डीएमिनेटिंग एजेंट्स
एंड एल्कालेटिंग एजेंट्स, ये दोनों केमिकल्स यूज होते हैं जिसकी वजह से प्रिंसू क्या करना होगा। अच्छा, कल की क्लास के लिए तो तुम लोग क्या करना, कल दो ऐसे ऊन या थोड़े मोटे धागे ले आना या दो वायर ले आना अलग अलग कलर के, फिर मैं आपको जैसे बताऊंगी उसमें ट्विस्ट, रीथ, कॉयल, सुपर कॉयल, जैसे जैसे मैं करूंगी तुम लोग भी वैसे वैसे उस मॉडल को करना, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा समझने में भी। और एक बार समझ जाओगे तो फिर सबको बताना कि देखो मुझे ये डिफिकल्ट टॉपिक समझ में आ गया इजीली, ठीक है। तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ केमिकल्स की वजह से डीएनए में चेंज देखते हैं। कौन कौन से, नाइट्रस एसिड जो कि एक डीएमिनेटिंग एजेंट है, नहीं तो एल्कालेटिंग एजेंट्स, इनकी वजह से कुछ चेंज देखते हैं। अब देखते हैं नाइट्रस एसिड की वजह से क्या चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये नाइट्रस एसिड के कुछ प्रिकर्सर्स हैं, प्रिकर्सर्स मतलब इनकी वजह से, जैसे NaNO2 की वजह से HNO2 बन जाएगा, ठीक है, नाइट्रस एसिड। हमारे सेल में अगर इनमें से कोई भी तीन चीज में से एक चीज प्रेजेंट है तो वो HNO2 में कन्वर्ट हो सकती है एंड दैट विल लीड टू द डीएमिनेशन। यहाँ पर देखिए डीएमिनेशन होता है, नाइट्रस एसिड की वजह से डीएमिनेशन होता है और एल्कालेटिंग एजेंट्स की वजह से क्या होता है देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रस एसिड क्या करता है, नाइट्रस एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक प्रिकर्सर सच एज नाइट्रोसेमाइंस और फ्रॉम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट सॉल्ट्स, जैसे कि यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोसेमाइन, इन चीज़ों की वजह से। मैम ही आस्क्ड हाउ टू जॉइन योर क्लास ऑन अनअकैडमी, ओके ओके बेटा, अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप एक है वो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, ठीक है। इसके बाद मेरा कोड यूज करिएगा shell K10, तो आप क्या हो जाएगा, आपको सारे क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगे, मेरे ही नहीं दूसरे के भी। कल मेरी पहली क्लास है शाम को 5 बजे और हम कल टोपोलॉजी को मॉडल यूज करके सीखेंगे, जो कि उस दिन यूट्यूब में थोड़ा सा फेल हो गया था क्योंकि वो मॉडल दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि क्या होता है मैं तो छोटी सी दिखती हूँ कोने में, अब मैं हाथ में कोई पतली चीज़ लेके बता रही हूँ तो क्या दिखेगा। तो फिर भी कोशिश तो मैंने की थी कि मैं स्लाइड में भी पढ़ा दूँ, लेकिन फिर भी वो इतना मज़ेदार नहीं हुआ था। कल हम मज़ेदार करके पढ़ेंगे, ठीक है। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप आप देखिए, वहाँ पे सारे क्लासेस आप देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री हैं, चाहे तो बाद में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, डोंट वरी फॉर दैट। तो नाइट्रस एसिड प्रिकर्सर्स कौन कौन से हैं, नाइट्रस एसिड प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है, इनसे नाइट्रस एसिड बन जाएगा, कौन कौन, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्रोसेमाइन, इनसे नाइट्रस एसिड बन जाएगा HNO2 विच विल एक्ट एज द डीएमिनेटिंग एजेंट एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू एरर इन डीएनए या ट्रांसफॉर्मेशन इन डीएनए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा बोथ एजेंट्स, अच्छा और भी एक एग्जाम्पल है बाईसल्फाइट, बाईसल्फाइट और एक केमिकल है, एक तो केमिकल हो गया नाइट्रस एसिड, वो बनते हैं नाइट्रोसेमाइन, नाइट्रेट और नाइट्रेट सॉल्ट से, और एक है बाईसल्फाइट जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड में, जैसे कि जैम हो गया, अचार हो गया जो पैकेट अचार होता है, देन केक हो गया, जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड है, उनमें एज अ प्रिजर्वेटिव बाईसल्फाइट यूज किया जाता है। तो बाईसल्फाइट एंड नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड किससे बनता है, नाइट्रोसेमाइन, नाइट्राइट और नाइट्रेट के सॉल्ट से, इन सब से भी क्या होता है डीएमिनेशन हो जाता है, और डीएमिनेशन क्या होता है वो हम देख चुके हैं, पता है आपको, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, एल्कालेटिंग एजेंट की। एम आई क्लियर ना, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, डीएमिनेटिंग एजेंट और क्या है, एल्कालेटिंग एजेंट, है ना। डीएमिनेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रस एसिड, HNO2, और ये किससे बनता है, तीन चीजों की वजह से बनता है, और बाईसल्फाइड, ठीक है। एल्कालेटिंग एजेंट क्या करता है, एल्कालेटिंग एजेंट क्या करता है वो देखिए, एल्कालेटिंग एजेंट इट एल्कालेटिंग एजेंट्स कैन ऑल्टर सर्टेन बेसिस ऑफ डीएनए। फॉर एग्जाम्पल एक एल्कालेटिंग एजेंट का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है डाईमिथाइल सल्फेट, ये क्या करता है, ये ग्वानिन को मिथाइलेट करके, ये ग्वानिन को मिथाइलेट करके मिथाइल ग्वानिन में कन्वर्ट कर देगा, और ग्वानिन जो कि पहले साइटोसिन से पेयर होता था, अब ये ग्वानिन को उसने मिथाइलेट कर दिया O6 पे, अब ये साइटोसिन के साथ पेयर नहीं कर पाएगा,
ये कौन किया, एल्काइलेटिंग एजेंट, मतलब ये एल्काइल ग्रुप ऐड करेगा, मतलब ये क्या ऐड कर देगा, मीथेन ग्रुप ऐड कर देगा, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, मीथेन मिथाइल। यहाँ पे देखिए ये कुछ एग्जांपल्स है एल्काइलेटिंग एजेंट्स के, क्या क्या, एडिनोसाइल मिथेनिन, डाइमिथाइल नाइट्रोसेमाइन, डाइमिथाइल सल्फेट, नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट्स है जो कि नाइट्रोजीनियस बेसिस में मिथाइल ऐड ग्रुप ऐड कर देंगे। ये मिथाइल ग्रुप ऐड करने की वजह से उनका नेचर चेंज हो जाएगा और वो अब नॉर्मली बेस पर नहीं हो सकते। इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि समझ लो क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ सैम्पल ऑफ डीएनए एंड यू हैव एडेड नाइट्रोजन मस्टर्ड, व्हाट विल हैपन टू डीएनए। अब एग्जाम्पल वहाँ पे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, इट विल इट इज एट, आपको याद रहेगा कि ये एल्काइलेटिंग एजेंट है तो ये एल्काइल ग्रुप ऐड कर देगा जिसकी वजह से अब नॉर्मल बेस पेयरिंग नहीं हो पाएगी। जैसे कि जो ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन है, ये किसकी वजह से बना, ग्वानिन से बना, ग्वानिन को कन्वर्ट कर दिया इसने ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन, मतलब ओ सिक्स पोजिशन में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया किसने, डाइमिथाइल सल्फेट ने। ये डाइमिथाइल सल्फेट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है। इसकी वजह से जो अब ये नया ग्वानिन है ये नॉर्मल साइटोसिन के साथ में अब पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एडिनोसाइल मिथाइनिन मिथियोनिन, डाइमिथाइल नाइट्रोसेमाइन, डाइमिथाइल सल्फेट, नाइट्रोजन मस्टर्ड। वैसे यहाँ पर देखिए ये नाइट्रस एसिड के प्रिकर्सर्स हैं कौन कौन, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्रोसेमाइन, ये केमिकल्स गिव राइज करते हैं HNO2 को, और ये HNO2 क्या करता है, डीएमिनेट कर देता है। एक और एग्जांपल था बाइसल्फाइट, बाइसल्फाइट एंड HNO2 दे लीड टू डीएमिनेशन, एंड द एल्काइलेटिंग एजेंट सच एज एडिनोसाइल मिथियोनिन, डाइमिथाइल नाइट्रोसेमाइन, डाइमिथाइल सल्फेट एंड नाइट्रोजन मस्टर्ड दे लीड टू एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप NH3। द एग्जाम्पल इज कन्वर्जन ऑफ ग्वानिन टू O6 ग्वानो मिथाइल ग्वानिन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन सीन इन DNA। एम आई क्लियर टिल नाउ, यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्वानिन का, एम आई क्लियर टिल नाउ, क्या मैं क्लियर हूँ आप सबको, एम आई क्लियर टिल नाउ, बस एक मैसेज कर दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। आई एम क्लियर, आई थिंक आई एम क्लियर, एम आई क्लियर, यस, थैंक यू प्रिंसु, थैंक यू प्रियंका। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन है, देखिए ये क्या है, ये साइटोसिन है, नहीं ये सॉरी, ये क्या है, देखिए ये, देखिए ये ग्वानिन है, इसके सिक्स पोजिशन में देखिए क्या ऐड हो गया है, मिथाइल ग्रुप, किसने ऐड कर दिया, CH3 द होल टू SO4, ये एक एल्काइलेटिंग एजेंट है जिसने एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये O6 मिथाइल ग्वानिन अब साइटोसिन के साथ में पेयर नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ देखे एल्काइलेटिंग, क्या क्या देखा हमने आज, हमने शुरू से देखा कि सबसे पहले तो देखा RNA को NaOH में देने से क्या होता है, फिर हमने देखा डीएमिनेशन क्या होता है, फिर हमने देखा डीप्यूरिनेशन क्या होता है, फिर हमने देखा यूवी रेस की वजह से कौन से दो प्रोडक्ट बनते हैं, फिर हमने देखा कि एक्सरे और गामा रे की वजह से क्या होता है, फिर हमने देखा केमिकल्स की वजह से क्या होता है, दो तरह के केमिकल्स देखे, एल्काइलेटिंग एजेंट एंड हमने देखा नाइट्रस एसिड, है ना, और हमने देखा जो नाइट्रस एसिड के जो प्रिकर्सर्स हैं वो ये हैं, इन सब से ही नाइट्रस एसिड बनता है। नाइट्रस एसिड करता क्या है, डीएमिनेशन, और एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करता है, इट एड्स द एल्काइल ग्रुप, और इन दोनों की वजह से और भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। नाइट्रस एसिड के अलावा बाइसल्फाइट भी एक है जो कि डीएमिनेशन कर देता है। वैसे एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, तो एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, उसका एग्जांपल है ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स के एग्जांपल हैं डाइमिथाइल नाइट्रोसेमाइन, डाइमिथाइल सल्फेट, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन और नाइट्रोजन मस्टर्ड। इनकी वजह से जो इनका एक सबसे एग्जांपल है कि जो नॉर्मल साइटोसिन है वो कन्वर्ट हो जाता है O6 मिथाइल ग्वानिन, पर नॉर्मल ग्वानिन कन्वर्ट हो जाता है O6 मिथाइल ग्वानिन,
जो कि अब नॉर्मल साइटोसिन से नहीं लगेगा। आज हमने बस एक सिंपल सा काम किया, नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। यस प्रिंसू, कल 7 बजे पर क्लास चलेगी? हाँ बेटा, एक्चुअली आज थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू हो गया था, मैं जिससे रिकॉर्ड करती हूँ ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मैं उसको फिक्स करने में टाइम लग गया, इसलिए तो कल भी 7 बजे होगा। कल ये तो खत्म हो गया, अब हमें ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हूटस्टीन पेयरिंग देखेंगे, मैं इसे आज भी नहीं बता पाई, हूटस्टीन पेयरिंग देखेंगे। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो देख लिया है, टोपोलॉजी बाकी है, टोपोलॉजी तो ऐप पे भी पढ़ेंगे, वहाँ पे मॉडल से पढ़ेंगे, यहाँ पे शायद ना पढ़ पाएँ क्योंकि छोटा सा ही दिखना है, वहाँ पे थोड़ा बेटर इससे दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, इस वीक में ख़त्म हो जाएगा, मैंने प्लान जो बनाया है इस वीक में ख़त्म हो जाएगा। आपका एक दिन क्विज़ होगा जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर करना है। फिर एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, जितने भी नेट में आए हैं क्वेश्चंस। फिर एक दिन मॉक टेस्ट होगा, फिर एक दिन रिवीजन होगा, सारा मैंने जो भी पढ़ाया है। एक दिन डाउट क्लियरिंग क्लास होगा, मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूँगी, जिस दिन डाउट क्लियरिंग क्लास होगा थोड़ा सा रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और आज ये सब मैंने लेनिंजर से पढ़ाया, सब, इसमें से एक भी डायग्राम की एक भी कॉन्सेप्ट वॉटसन से नहीं है, आ गया, क्योंकि वॉटसन में और ख़त्म हो चुका है, वॉटसन में अब सिर्फ टोपोलॉजी रह गया है जो कि मुझे कवर करना है। लेनिंजर से कुछ पेजेस रह गए थे जो कि कवर कर रही हूँ आज, सब कुछ लेनिंजर से ब्रेन का, ठीक है। मैम अमीनो एसिड कब स्टार्ट करेंगी? अमीनो एसिड ऐप पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, डीएनए का टोपोलॉजी करने के बाद में उससे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये डीएनए यहाँ ख़त्म हो जाए इस वीक में फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन रिविजन क्लास होगा उस दिन अटेंड करना, उस दिन डाउट पूछना, डाउट क्लियरिंग क्लास में डाउट पूछना। जिस दिन क्विज होगा उस दिन मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फटाफट मुझे आंसर मिलेगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरा प्लान है, इस तरह से चलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बहुत सारा थैंक यू आज थोड़ा लेट होने के बाद भी मेरा वेट करने के लिए, थैंक यू सो मच, और मुझे रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। चलिए अब कल मिलते हैं शाम को 7 बजे और शाम को 5 बजे, पहले 5 बजे मिलेंगे फिर 7 बजे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर। और आज की अच्छी बात क्या, जैसे कल मैंने एक अच्छी बात बोली थी कि स्ट्रे एनिमल्स की और थोड़ा ख्याल रखिए, और जो गरीब हैं उनका थोड़ा ध्यान दीजिए, लॉकडाउन है। आज मैं बोलूँगी थोड़ा सा पानी बचाने की कोशिश कीजिए, जब हम ब्रश करते हैं या हाथ धोते हैं क्या करते हैं, ऐसे टैप ऑन कर देते हैं, हाथ में ले लेते हैं हैंड वॉश, ऐसे ऐसे मलते रहते हैं और वो पानी चलता रहता है। प्लीज़ हाथ में हैंड वॉश लेके उसको बंद कर दीजिए, ब्रश करने के टाइम भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, पानी बचाइए, क्योंकि जो पानी हमें मिलता है ना वो ग्राउंड वाटर है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा ना तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली। तो क्यों ना हम जैसे अर्थ हमको मिला है हम वैसे ही ट्रांसफ़र करें, जैसा हम पाए हैं वैसा हमें आगे पहुंचाना है। तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा पानी बचाने की कोशिश कीजिए हर लेवल पर, हर लेवल पर प्लीज़। आज का ये हमारा एक लास्ट स्टेटमेंट होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।